आजकल के दौर में जो भी देखो, आम आदमी की बात करता है, और जहां भी आम आदमी की बात आती है तो सभी को एक पॉलिटिकल पार्टी और हम कह सकते हैं हमारे देश की राजधानी जरूर याद आती है, जो कि है आम आदमी पार्टी। और जो राज्य है या फिर आप कह सकते हैं कि यूनियन टेरिटरी है, वो है दिल्ली। तो दिल्ली से आज एक खबर आई है, इसको करीबन एक वीक हो चुका है, और खबर जुड़ी हुई है आम आदमी पार्टी से और साथ ही साथ जो दिल्ली की गवर्नमेंट है उससे। लेकिन जो सुर्खियों में रहती है आम आदमी पार्टी, वो है आम आदमियों के लिए, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि आम आदमी नहीं, खास आदमियों के लिए थोड़ी सर्विस इस तरह की लेकर आए हैं, जिसको दिया गया है प्रीमियम बस सर्विस का नाम। और हो सकता है जल्दी, अगर सभी अप्रूवल्स मिलते हैं, तो ये सर्विस आपको दिल्ली के रोड पर जल्दी देखने को मिल। तो इस वीडियो में जानेंगे कि ये सर्विस क्यों लाई जा रही है, क्या इसके बेनिफिट हो सकते हैं और कब तक ये देखने को मिल सकती है। तो बने रहिएगा इस वीडियो में, हम करेंगे इसकी डिटेल डिस्कशन। और अगर आपको लगता है कोई जो भी इन्फॉर्मेशन है मिसिंग है या फिर आप चाहते हैं कि इसमें ऐड हो, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में भी जुड़ सकते हैं। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स टारगेट में। बीते सोमवार केजरीवाल जी, जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें बताया कि एक प्रीमियम बस सर्विस हम लेके आ रहे हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं ऐसा बस सर्विस लाने का उनके पीछे रीजन क्या है। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि दिल्ली में पॉपुलेशन काफी ज्यादा है, एरिया कम होता जा रहा है एज पर द डेंसिटी, तो जिसकी वजह से पॉपुलेशन की वजह से पॉल्यूशन एक सबसे बड़ा पॉइंट बना हुआ है। दूसरा पॉइंट बना हुआ है कि ट्रैफिक का, जिसमें अगर आपको कहीं जाना है तो आपको जो समय है वो अधिक लगता है। अगर आप मेट्रो भी चूज करते हैं तो आपको हो सकता है काफी भीड़ में मशक्कत करनी पड़े। साथ ही साथ आपकी कोई गारंटी नहीं है कि आपको सीट मिल जाए। और अगर केजरीवाल जी का स्टेटमेंट देखें तो उसमें पाया गया या उनके अकॉर्डिंग है कि जो मेट्रो है और जो बस सर्विस यूज करते हैं, जो DTC की है, उसमें मिडिल क्लास या फिर लोअर मिडिल तक ही बस सर्विस और मेट्रो को यूज करते हैं। आज की तारीख में जो भी अपर मिडिल है या हायर क्लासेस हैं, वो अपना व्हीकल यूज करना प्रीफर करती है। ऐसे केस में क्या होता है, व्हीकल्स की जो तादाद है वो रोड पे ज्यादा से ज्यादा होती जा रही है, जिसकी वजह से जो ट्रैफिक जाम है वो बढ़ रहा है, साथ ही साथ पोल्यूशन पे भी कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। आए दिन न्यूज दिल्ली की पोल्यूशन क्वालिटी को लेके आ ही रही है। इवन सबसे फेमस जो अक्टूबर नवंबर का टाइम होता है, वो सभी को पता है कि दिल्ली की क्या सिचुएशन होती है। तो इनका पॉइंट है कि पोल्यूशन भी कम करे और इस तरह की सर्विस लाई जाए जिसमें मैक्सिमम लोग जो मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास है वो भी उसका बेनिफिट उठा पाए, स्पेशली ऐसे लोग जो ज़्यादा कॉस्ट देकर अच्छी कंफर्टेबल सेफ जर्नी को इंजॉय कर सके। तो ये प्रीमियम जो बस सर्विस है उन लोगों के लिए है जो कि अफोर्डेबल प्राइस में बेस्ट फीचर्स चाहते हैं और टाइमली कहीं अपने जो भी उनकी वेन्यू है वहाँ पे पहुँचना चाहते हैं। तो जो सर्विस का नाम दिया है या फिर हम कह सकते हैं स्कीम का जो नाम दिया है, वो है दिल्ली मोटर व्हीकल लाइसेंसिंग ऑफ एग्रीगेटर, जिसका दूसरा नाम कह सकते हैं प्रीमियम बस सर्विस या फिर आप कह सकते हैं प्रीमियम इंट्रा सिटी बस सर्विस, जो कि होगा मिडिल क्लास या फिर अपर मिडिल क्लास के लिए। इसकी कुछ खासियत है जो कि ध्यान में रखते हुए मिडिल और अपर मिडिल क्लासेस के लिए रखी गई हैं, उनको डिस्कस करेंगे। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट होने वाला है कि इसमें कोई भी व्यक्ति स्टैंडिंग सिचुएशंस में या फिर ये कह सकते हैं खड़े होकर बस में यात्रा नहीं करने वाला। जो भी व्यक्ति होगा उसको कंफर्म सीट मिलेगी, सेफ्टी सिक्योरिटी कंफर्ट का हर तरह से ध्यान रखा जाएगा। तो इसके की पॉइंट्स देख लेते हैं। तो इसका सबसे बड़ा की पॉइंट जो बनता है वो है कि इसकी बुकिंग ऐसा नहीं है कि आप स्टेशन पे या फिर आप कह सकते हैं बस स्टैंड पे पहुंचते हैं वहां से आप इजीली पिक कर सके, ऐसा नहीं है। ये टोटली एप्लीकेशन बेस्ड और वेब बेस्ड एप्लीकेशन दोनों के थ्रू आप बुकिंग कर सकते हैं, तभी आपकी सीट कंफर्म होगी। जो भी आपकी बस दिल्ली में चलेगी वो CNG होगी और इलेक्ट्रिक बस 100% होगी। आगे आने वाले टाइम में 1 जनवरी 2024 के बाद जो भी जुड़ेगी वो 100% इलेक्ट्रिक बस होंगी। तो ऐसे केसेस में अगर देखा जाए तो CNG और इलेक्ट्रिक बसेस दोनों ही बेनिफिट देगी पोल्यूशन के टर्म में अगर देखा जाए। अदर जो फीचर होगा इसका कि अगर मिनिमम जो सीटिंग प्रोवाइड होगी बस में, तो मिनिमम हो सकती है 12 सीटिंग बस हो सकती है, 12 सीट वाली जो गाड़ी है वो होगी अलॉट, इससे कम की नहीं दी जाएगी। बड़ी बसेस हो सकती हैं बट ध्यान वही रखा जाएगा, कोई भी स्टैंडिंग पैसेंजर है वो राइड अवेलेबल नहीं होगी। उसके बाद देखें तो इसमें आता है कि आपके पास AC, Wi-Fi और आपका जो पैनिक बटन है, GPS है, इस तरह के फीचर भी आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि आपको पता है दिल्ली वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा CCTV कैमरों से भरा हुआ सिटी है,
कि सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी के लिए सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, तो बस भी सीसीटीवी कैमरे के अंदर कवरेज में आएगी। कंफर्ट और सेफ्टी और पंचुअलिटी को काफ़ी जो फोकस किया गया ताकि लोग अपने टाइम से पहुंच सके। इसमें जो भी रूट डिसाइड होंगे वो एग्रीगेटर करेगा, और एग्रीगेटर जो होगा वही जो है फेयर डिसाइड करेगा, और फेयर डीटीसी बस सर्विस से ज़्यादा होना चाहिए ताकि उसमें ऐसा ना होने लगे कि यहाँ पे भी कंजेस्टेड बन जाए। तो जो फेयर होगा वो डिसाइड करेंगे एग्रीगेटर, जो रूट होगा वो भी डिसाइड करेगा एग्रीगेटर, और एग्रीगेटर के पास चॉइस है, वो अपने रूट बेनिफिट रूट्स को ले सकता है। जो भी डिसाइड होंगे पिकिंग पॉइंट्स उन पे वो सवारी अपनी जो है वो पिक करेगा, लेके जाएगा, ड्रॉप करेगा अपने पॉइंट्स पे। कुछ इस तरह की आपने दिल्ली में पहले भी बस सर्विस या इवन अभी भी चलते हुए देखी है, लेकिन वो टोटली प्राइवेट बस सर्विस है। इसमें गवर्नमेंट की सपोर्ट से ये प्राइवेट बस सर्विस चलने वाली है, जिसको गवर्नमेंट से लाइसेंसिंग जो है वो प्रोवाइड कराई जाएगी। इसमें एग्रीगेटर लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकता है, सीएनजी पे कुछ फी देना होगा, लेकिन अगर एग्रीगेटर इलेक्ट्रिक बस चलाना चाहता है तो उस केस में उसकी जो लाइसेंसिंग फ़ी होगी वो टोटली जीरो होगी। और आपको पता है अगर कोई भी एग्रीगेटर लाइसेंस लेता है तो उस केस में उसको 90 डेज के अंदर अंदर अपनी 50 बसेस मिनिमम चलानी जरूरी होंगी। ये एग्रीगेटर के लिए पॉइंट काफ़ी बड़ा बन जाता है। दूसरा पॉइंट यहाँ से बनता है कि कोई भी बस तीन साल से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, कि ऐसी हालत ना हो गाड़ी की कि आपको प्रीमियम बस की बजाय वो डग्गा मार या फिर हम जो लोकल बस बोल देते हैं वो सिचुएशन ना मिले। तो प्रीमियम सर्विस है तो गाड़ियाँ भी नई होंगी, 3 साल पुरानी होंगी, सीएनजी और इलेक्ट्रिक जैसी गाड़ियाँ होंगी। अब ये जो है एलजी के लिए रेफ़र किया जा रहा है ताकि एलजी अगर इसको अप्रूव करते हैं तो इसको जल्दी से जल्दी रोड पर देखा जा सके। अगर वो आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं राष्ट्रपति जी के लिए आगे परमिशन के लिए तो हो सकता है इसमें डिले हो, अदरवाइज अगर ये पब्लिक डोमेन से देखा जाए अगर इसको अप्रूव कर देते हैं तो जल्दी इसको गवर्नमेंट अप्लाई करेगी और जल्दी आपको बसेस देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार गवर्नमेंट ने किया है, इससे पहले 2016 में भी सेम केस हुआ था, गवर्नमेंट ने प्रपोजल दिया था जो कि रिजेक्ट हुआ है, लेकिन इस बार उम्मीद है कि ये पास हो जाएगा, बिकॉज पॉल्यूशन और पॉपुलेशन दोनों दिल्ली के लिए काफ़ी बड़ा पोर्शन बन जाता है या इशू बन जाता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल स्पेशली पूछा गया कि क्या दिल्ली में जिस तरह वोमेंस को फ्री राइड मिलती है तो इस बस में भी फ्री राइड होने वाली है, तो केजरीवाल जी ने कहा कि इस बस में जो ऐसी सर्विस नहीं दी जाएगी, तो जो अगर कोई भी वोमेंट दिल्ली में इस सर्विस को यूज़ करना चाहे तो उसके लिए भी चार्ज अप्लाई होने वाला है। रही बात अगर ये बस सर्विस रोड पर आती है तो अलग से इसकी कलर कोडिंग, लोगो और इस तरह की यूनिफॉर्म जैसी चीज़ें भी इसमें अप्लाई होगी ताकि आपको आइडेंटिफाई करना रोड पे आसान हो। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में जुड़ सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं। अगर आपको लगा है कोई इन्फॉर्मेशन हमसे छूट गई है तो वो भी आप हमसे साझा कर सकते हैं। अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो भी आप हमसे कह सकते हैं, जुड़ सकते हैं हमसे कमेंट बॉक्स में। नोट्स जैसी चीज़ों के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पे, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्लासेस भी आपको कंटिन्यू मिलती रहेगी। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।